लगातार आप सभी का आज की बड़ी खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आप सभी को बताएं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेक न्यूज निकल के सामने आ रही है। जी आप सभी को बताएं 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी को अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ी अपडेट को लेकर प्रसारित कर दिया गया है। जी आप सभी को बताएं आप सभी 10वीं बारी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी होगा क्योंकि यह आपके भविष्य से जुड़ी हुई अपडेट है। जी आप सभी को बता देना चाहते हैं अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लेने लिया है जो कि सीधा असर जिसका विद्यार्थियों के ऊपर होगा। जी हां अगर आप भी 2023 में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अभी से पढ़ाई कर रहे हैं वो इस बार 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा छात्राएं हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह आपके काम से जुड़ी हुई अपडेट है, वो आपके भविष्य से जुड़ी हुई अपडेट है। जी आप सभी को बताने वाले एक बड़ी मुख्य जानकारी जो कि आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत आपके अपने चैनल SPS न्यूज के माध्यम से हम देने वाले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी आप सभी को बताएं बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बताएं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। जी 8 मार्च 2022 के दिन से 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं को प्रारंभ कराएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वह विद्यार्थियों को समय ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बताया विद्यार्थियों को पेपर जब होते हैं उनके बीच में छुट्टियों का गैप ज्यादा होता है लेकिन उस बार छुट्टियों के गैप में कैंसिल की जा रही है। जी आप सभी को बताएं मात्र 16 दिन के अंदर समस्त बोर्ड के समस्त विद्यार्थियों की परीक्षाएं करा ली जाएंगी। जी हां इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रसारित किया है। फिर चाहे बोर्ड परीक्षा का विद्यार्थी हो चाहे यूपी बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड का एसएससी बोर्ड का हरियाणा बोर्ड का सीजी बोर्ड यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड का राजस्थान गुजरात झारखंड बिहार चाहे जिस भी बोर्ड का विद्यार्थी हो 10वीं बारी का छात्र छात्राएं केंद्र का मतलब भी होता है कि समस्त देश में रह रहे 10वीं बारी की बोर्ड छात्र छात्राएं। तो आप सभी को बताया सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो आप सभी को हम बता देना चाहते हैं सरकार ने इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला लिया है। जी आप सभी को बताएं 10वीं बारी की बोर्ड छात्र छात्राओं के लिए सरकार ने यह फैसला लेते हुए कहा है कि विद्यार्थियों को हर पेपर के 3 दिन पहले बता दिया जाएगा। वह विद्यार्थियों को पेपर के लिए समय ज्यादा नहीं हुआ। प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए सरकार ने जनवरी का समय निर्धारित किया है। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फरवरी का समय निर्धारित किया है। ऐसे में आप सभी को बताएं अक्टूबर का महीना बीतने में फिर नवंबर फिर दिसंबर वहीं आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे होंगे। वह दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट आप सभी को 20 जनवरी तक कोर्स कंप्लीट कराने के आदेश दिए हैं। वह दिसंबर तक आप सभी के स्कूलों से ब्यौरा मांगा गया कि विद्यार्थियों को स्कूल में जितना परसेंट पाठ्यक्रम पूरा हुआ उतने परसेंट के साथ विद्यार्थी पेपर देने के लिए कितना परसेंट ज्यादा तैयार हो चुका है इस सभी के लिए सरकार का एक बड़ा मुख्य निर्णय सामने आया है। दोस्तों विद्यार्थियों के लिए इस समय सबसे बड़ी खुशखबरी कि विद्यार्थियों को 98% तक छात्र छात्राओं को पास करेगी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। हर साल की तुलना में इस बार 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों का रिकॉर्ड हर साल का टूटेगा। विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा अंकों के साथ पास होने वाले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी मुख्य अपडेट निकल के सामने आ रही है एक बड़ी खुशखबरी। वही कॉपियों मूल्यांकन के दौरान अगर कमजोर विद्यार्थी फिर भी पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए तब भी अगर कुछ नंबरों से 3-4-5 नंबरों से अगर हर सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो कॉपी जांच रहा शिक्षक आप सभी को हर सब्जेक्ट में आपको 3-4 नंबर बढ़ा देगा क्योंकि हर सब्जेक्ट आप सभी को अलग अलग शिक्षक जांचेगा। तो सभी शिक्षकों को आदेश दिया अगर 3-4 नंबर से विद्यार्थी फेल है तो उधर उसे अपने तरफ से नंबर बढ़ा के पास कर दिया जाए। इसके बावजूद भी विद्यार्थी अगर फेल होता है तो 2 सब्जेक्टों में फेल विद्यार्थियों को दोबारा से मौका मिलेगा फिर चाहे आपका पेपर छूटा हो या फेल हो गया हो। तो यह बड़ी खुशखबरी की बात निकल के सामने आ रही दोस्तों जो कि सबसे पहले आपके अपने चैनल SPS न्यूज के माध्यम से पहुंचाई गई। वीडियो की जानकारी में इतना ही। जानकारी आप सभी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कौन से बोर्ड से भरते अपने बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जिससे आपके बोर्ड से जुड़ी कोई भी